इस प्रकार से हर ओपन फेस हो और मकान के अंदर ऊंचाई की ट्रीटमेंट की जाती है, जिसकी वजह से कीटनाशक ना आए, आपका कीमती फर्नीचर ना बिगड़े, क्योंकि फर्नीचर बनाने में 6 से 12 महीने जाते हैं और 12 लाख से लेके 50 लाख तक का फर्नीचर होता है। तो सिर्फ ये कुछ रुपयों में आपके इतने पैसे बचेगा, समय और टाइम दोनों बचता है। तो जब भी काम करना है इस प्रकार से अच्छे से दवाई डाल दिया करें। वो तो जंक्शन है, मेरे को मालूम है दवाई का जंक्शन है, वो तो मकान के लिए अगले वीडियो में मैंने बता दिया था। वो तो में जगह जगह पे छेद करके नहीं डालने की है। नहीं नहीं, वो पाइप आते हैं, पाइप टूट जाते हैं। वो नहीं, यहाँ पे छेद छेद करके डालते हैं ना, बाहर नहीं करते, बाहर छेद नहीं करते, घर के अंदर ही छेद करते हैं। ओके, अंदर तो सब जगह पे छेद किया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो पाइप आते हैं ना, मालूम नहीं ना, टूट जाते हैं, बाद में तोड़ा पड़ता है। तो यहाँ पे कहाँ पाइप आती है? तो ये चौखट पे यूं मारने से क्या होता है? लेकिन यहाँ तो पहले ट्रीटमेंट हो गया था ना, एक दो बार हो गया, जब आओ तब मार ही देने का, ऐसा है लकड़े पे। जरा जरा स्माइल करके अच्छा दिखे, तेरा आ रहा है, फिक्र मत कर। सकते हो दसमान टीसी, धनबान टीसी, यानी इसी में मिलती है, और वो कीटनाशक जहाँ पे बीज अनाज के अंदर होता है उसकी दुकान से ये दवाई मिलती है। दवाई भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये है वो दवाई, यानी कोई भी इसी जो 20 लिखा है वो चलती है।